नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभांगी किचन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ ये खास रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी रेसिपी। सेव टमाटर की टेस्टी सी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान इकट्ठा किया है। एक कटोरी मैंने यहाँ रतलामी सेव ले लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल वाले कोई भी सेव ले सकते हैं। उसके साथ में मैंने यहाँ पर 3 टमाटर चॉप किया है थोड़े मोटे साइजेस में। हरी मिर्च ले लिए है 2 से 3। अदरक को कद्दूकस कर लिया है 1 इंच अदरक को। 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है। हरे धनिए को बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ में मैंने यहाँ मसाले ले लिए हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा गरम मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं सेव टमाटर की सिंपल सी रेसिपी बनाना। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है 5 से 6 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो कोई नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैंने ये ले लिया है। ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच राई। राई चटक रही है इसके साथ में ही हम ऐड कर देंगे यहाँ पर हींग, हरी मिर्च और अदरक भी। यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं ये टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। जैसे आपको लगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं उसी स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये टमाटो प्यूरी। हमें टमाटर ज़्यादा गलाने नहीं हैं, इसको इसी तरह से खड़ा खड़ा रखना है। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ टमाटो प्यूरी। मसालों को थोड़ा पकने तक का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इस सब्जी के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया था। आप देखिए ऑयल आ चुका है ऊपर। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। 1 कटोरी के लगभग इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं। 1 बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं सब्जी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये सेव। टिप कि आप सबसे पहले ये बात का ध्यान रखें कि जब तक बॉईल नहीं आए आप सेव ऐड नहीं करें, नहीं तो सेव जो होते हैं वो ज़्यादा घुल जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। बस इसको एक बार और बॉईल आने तक का हम वेट करेंगे। सब्जी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। इसके अंदर डाल देते हैं ढेर सारा हरा धनिया। गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद। सेव टमाटर की टेस्टी सी और सिंपल सी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म सेव टमाटर की ये सब्जी बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये राजस्थान की मशहूर सब्जी एक बार आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मिनटों में बन जाएगी और सबकी तारीफें पाएंगे आप। जब आपके घर में हरी सब्जी अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। ये बढ़िया सी टेस्टी सी सेव टमाटर की सब्जी एक बार आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। सेव टमाटर की रसीली सी सब्जी मिनटों में बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।